वेलकम टू myacads.com। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मॉड्यूलस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम एक 6-स्टेप स्ट्रेटजी यूज करेंगे और हम इसको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में यही स्ट्रेटजी यूज करेंगे। इस स्ट्रेटजी को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये है हमारी मॉड ऑफ 3x+9 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x+1। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारा पहला स्टेप क्या है? हमारा पहला स्टेप है आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। हमारे की पॉइंट्स क्या होते हैं? हमारे की पॉइंट्स वो होते हैं जिस पर हमारे मॉड के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो ज़ीरो के बराबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर 3x+9 इक्वल्स टू ज़ीरो करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो एक की पॉइंट मेरा ये हो गया। दूसरा क्या है मेरा? 2x+1। इस मॉड के अंदर 2x+1 लिखा हुआ है, इसको मैं 0 के बराबर करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये दो मेरे की पॉइंट्स हो गए हैं। ये मेरा पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप है मेरा प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। अब हम एक रफ नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखिए, -3 मेरा कुछ यहाँ पर होगा। अगर -3 यहाँ होगा तो -1/2 मेरा कहीं यहीं होगा। तो ये मेरा एक दूसरा स्टेप है। इसमें मैंने नंबर लाइन प्लॉट करी और उसमें मैंने अपने की पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब मेरा थर्ड स्टेप है मेक इंटरवल्स। अब देखिए, ये जो मेरे की पॉइंट्स हैं ये मेरे नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड करते हैं। पहला इंटरवल ये है -3 से इधर, दूसरा इंटरवल -3 और -1/2 के बीच में, और थर्ड इंटरवल है -1/2 से बड़ा। तो पहला इंटरवल मेरा क्या है? अगर x की वैल्यू मेरी -3 के बराबर हो। और दूसरा इंटरवल क्या है मेरा? x की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 हो। यहाँ पे हमने -3 के इक्वल्स नहीं लिया था, यहाँ में हमने इक्वल्स टू -3 लिया है, या <1/2 हो। और थर्ड इंटरवल क्या है मेरा? थर्ड इंटरवल है मेरा x > -1/2 हो। ये मैंने 3 इंटरवल्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब देखिए, चौथा स्टेप मेरा क्या है? रिमूव द मॉड्यूलस साइन। अब देखिए, x अगर मेरा -3 से कम होगा तो मेरा 3x+9 ये एक नेगेटिव टर्म होगी। तो नेगेटिव टर्म में अगर मॉड्यूलस को हटाना है तो मुझे बाहर एक माइनस रखना है और अंदर मुझे मॉड वाली टर्म लिख देनी है, इक्वल्स टू दिस। अगर x मेरा -3 से कम होगा तो 2x+1 भी मेरा नेगेटिव होगा, उसको भी मैंने बाहर माइनस रखा और अंदर मॉड वाली टर्म रख दी। तो ये हो जाएगा मेरा 3x+9 इज़ इक्वल्स टू 2x+1। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। अब देखिए, ये मेरा पांचवा स्टेप हो गया जो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब छठा क्या है मेरा? चेक कंडीशंस। मेरी कंडीशंस क्या थी कि x मेरा <-3 होना चाहिए और x मेरा -8 आ रहा है। इसका मतलब x = -8 मेरा एक सॉल्यूशन है। अब देखिए, इसी तरीके से मैं ये दूसरा इंटरवल देखता हूँ। इसमें क्या है? x अगर -3 और -1/2 से बड़ा है तो मेरा ये वाली जो टर्म है पहला, ये मेरा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अगर होता है तो मॉड्यूलस अगर मुझे हटाना हो तो सिंपल मुझे मॉड हटा देना है, बाहर माइनस साइन नहीं रखना। लेकिन ये जो 2x+1 है ये मेरा नेगेटिव होगा, तो इसके लिए बाहर माइनस रखा और इधर मैंने 2x+1 लिख दिया। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा 3x+9 इज इक्वल्स टू -2x - 1। ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 5x - 10। x की वैल्यू हो गई मेरी -2। अब मेरा पांचवा स्टेप, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब मेरा छठा स्टेप क्या था? चेक कंडीशंस। x की वैल्यू मेरी -3 और -1/2 के बीच में होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या है मेरी? -2। तो यस, ये मेरी कंडीशन इसको फॉलो करता है। तो मेरा x = -2 दूसरा आंसर हो गया। अब थर्ड मेरा इंटरवल था x > -1/2। तो जो 3x+9 है ये मेरा पॉजिटिव होगा, तो मैंने मॉड्यूलस साइन हटाया और 3x+9 रख दिया।
इसी तरीके से 2x प्लस 1 है, ये भी मेरा पॉजिटिव होगा, तो इसको मैंने 2x प्लस 1 रख दिया, तो ये मेरा बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 8। अब मेरी कंडीशन क्या थी? मेरी कंडीशन ये थी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1/2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x क्या है, x इज माइनस 8 के बराबर आ रहा है, तो ये मेरा सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, x की वैल्यू या तो माइनस 8 है या x की वैल्यू माइनस 2 है। तो हमने ये 6 स्टेप स्ट्रैटेजी समझी मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व करने की। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम इस स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करेंगे। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।